अपने इमारत या घर के आपत्ति व्यवस्थापन विषयक सर्वेक्षण करना। विद्यार्थियों, इस प्रयोग में अपने घर या पाठशाला की इमारत का सर्वेक्षण करना है, आश्वस्त करना है कि यह जगह आपत्ति काल में रहने के लिए सुरक्षित है। आपत्ति का मतलब भयानक, धोखादायक, आकस्मिक घटने वाली घटनाएं जो पहले कोई भी सूचना नहीं देती, उदाहरणार्थ ज्वालामुखी, भूकंप, आग, आंधी इत्यादि। ऐसी घटनाओं में व्यापक जीवित हानि और संपत्ति की हानि होती है, इसलिए ऐसा सर्वेक्षण करना उचित होगा। इसके लिए हमें नोटबुक और सर्वेक्षण लेखा चित्र की जरूरत होगी। आप तज्ञों की मदद लेकर जानकारी ले सकते हैं। सर्वेक्षण करते हुए नीचे दिए मुद्दों का संदर्भ के लिए उपयोग करें। विद्युत परीक्षण सूची, क्या बिजली का कनेक्शन परवाना धारक बिजली तकनीशियन ने किया है? बिजली के आपूर्ति के लिए क्या योग्य प्रकार से अर्थिंग किया है? क्या बिजली उपकरण ISI मार्क वाले हैं? क्या इमारत के ऊपर बिजली प्रतिरोधक हैं? विद्युत वाहक तारों के आवरण योग्य हैं क्या? इमारत के आसपास होने वाले केबल्स और तारों की समय समय पर जांच की जाती है क्या? आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था की हुई है? बिजली के खंभों के आसपास क्या संरक्षक जाली लगी हुई है? भवन निर्माण परीक्षण सूची, क्या इमारत का निर्माण योग्य वास्तु इशारत के निगरानी में संपन्न हुआ है? इमारत का नक्शा योग्य सरकारी विभाग ने मान्य किया है क्या? भवन निर्माण के लिए किस प्रकार के कच्चे सामग्री का उपयोग किया है? निर्माण क्या मूल योजना के अनुसार हुआ है? पानी के या जल निकास के नलों में से पानी तो नहीं टपकता है? जल निकास की व्यवस्था कैसी है? इमारत की मरम्मत और रंगाई की जाती है क्या? अग्नि प्रतिबंधक व्यवस्था परीक्षण सूची, इमारत में पर्याप्त अग्निशामक उपकरण है क्या? क्या अग्निशामक उपकरणों की योग्य तरीके से देखभाल की जाती है? क्या बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ता है? पेड़ियों का परिमाण योग्य है क्या? क्या उनकी चौड़ाई योग्य है ताकि ज्यादा लोग होते हुए भी आसानी से गमनागमन कर सकें? क्या हॉस्पिटल, अग्निशामक दल, पुलिस इत्यादियों के संपर्क क्रमांकों की सूची है और वो समय से उपलब्ध हो सकती है? क्या प्रथमोपचार साहित्य उपलब्ध है? गैस सिलेंडर और अन्य ज्वालाग्रही वस्तु किस तरीके से रखी जाती है? क्या अग्निशामक दल समय समय पर अग्नि प्रतिबंधात्मक अभिरूप का अभ्यास ले रहे हैं? निष्कर्ष, बच्चों, इस सर्वेक्षण के बाद सारी बातें निर्धारित जगह पर है या नहीं, यह आप समझ जाओगे। आप इसमें बदलाव के लिए सुझाव भी दे पाओगे।